जमीन ही उसको काम आती है और आज जमीन की ही लड़ाई चल रही है किसानों द्वारा। अब जोरू की बात आ जाती है, प्रधानमंत्री जी के पास जोरू तो है नहीं। रॉबर्ट वाड्रा जी किसान भी है, बहुत बड़े उद्योगपति भी है, वो क्यों नहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं एग्रीकल्चर में? उन्होंने क्या इन्वेस्ट किया? कोई फैक्ट्री लगाई, कुछ किया? 2-4 हजार करोड़ रुपए का कोई आलू से जो है सोना तो नहीं बन पाएगा, लेकिन चिप्स बनाने की फैक्ट्री ही अगर वो लगा दिए होते 100-200 करोड़। लग रहा है मिश्रा जी पागल हो चुके हैं, अरुण जी इस प्रकार की भाषा का कृपया कृपया इस प्रकार की भाषा का उपयोग मत कीजिए। मेरे को अपना ऑडियो डाउन करने के लिए मजबूर मत कीजिए। आपका ऑडियो डाउन करने के लिए आपके बीच में कोई नहीं बोला तो आप भी किसी के बीच में नहीं बोलेंगे। जरा शब्दों पर ध्यान दीजिए आप। क्या? चलिए ठीक है। आप नहीं, अरुण जी आप प्रधानमंत्री जी की पत्नी के ऊपर बात कर सकते हैं, वो ठीक है, वो चलेगा, आप कर सकते हैं। मैंने शुरुआत में भी कहा था आप जो करें वो सारी बातें सही हैं, लेकिन कोई दूसरा आपकी पार्टी के नेताओं के बारे में बोल दे वो गलत हो जाता है, ऐसे नहीं चलेगा। शालिनी जी आपके पास मैं आना चाहूंगा। मिश्रा जी, अरुण जी इस प्रकार की भाषा का कृपया यहाँ पे तो उपयोग मत कीजिए। आप प्रधानमंत्री जी की पत्नी के लिए बोल सकते हैं, वो आपको चलता है, तब आपकी भाषा अमर्यादित नहीं होती। नहीं, अरुण जी इस प्रकार से नहीं चलेगा। आपको जो चाहे आपको बोलना है वो आप बोल सकते हैं। आप लाइव डिबेट में किसी पार्टी की प्रवक्ता को आप झूठा बोलते हैं, आप किसी राजनीतिक विचारक को आप पागल बोलते हैं, लेकिन अगर ये सिर्फ एक फ्रेज का उपयोग करते हैं वो गलत हो जाता है। अरुण जी ऐसे नहीं चलता। मैं मेरे टेक्निकल डिपार्टमेंट से कहूंगा अरुण जी की आवाज डाउन करें। मिश्रा जी बहुत कम शब्दों में अपनी बात पूरी कीजिए, बहुत कम शब्दों में। मिश्रा जी रही बात आम आदमी पार्टी का, तो उनका कहना ही क्या, उन्होंने बिल फाड़ा तो ये तो वही कहावत है, फटा पोस्टर निकला केजरीवाल, तो उनके ऊपर तो कोई कमेंट है ही नहीं। ये सब उनकी स्टंटबाजी है, उनका कानून बनाने में कोई रोल नहीं है, नेतागिरी वो भी कर रहे हैं। और कुछ एके मिश्रा जी, क्या लगता है आपको कि जिस प्रकार से ये विरोधाभासी चीजें चल रही हैं और 2 दशक से इन बिलों पर काम चल रहा है, ये कोई बिल आज के नहीं बने, बार बार बीजेपी भी कह रही है और कई लोग जो इस बिल के समर्थन में वो कह रहे हैं कि ये आज के बने हुए बिल नहीं है, इन पर कार्य काफी समय से चल रहा है और अब और लगभग हर एक पार्टी, कांग्रेस ने भी शासन किया है और जो अभी 23 नवंबर को जो केजरीवाल साहब ने करा उसके विरोधाभासी कदम उन्होंने कल कर दिया, क्या कहना चाहेंगे मिश्रा जी? देखिए इस बिल की जो खूबियां हैं, अगर पिछले कई सालों से इस बिल पे काम चल रहा है उसमें अर्थशास्त्री, एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट, संबंधित विभाग के बहुत सारे एक्सपर्ट बैठे हुए जी। शुरू में ही क्या हुआ कि बीजेपी इस बिल के उन चीजों को नहीं समझा पाई जी, जिस चीज के लिए ये बिल आया है। अभी नेहा शालिनी दुआ मैम बैठी है, वो भी बोल रही थी, उनके भी जो है बोलने में मुझे हठधर्मिता दिखी, थोड़ा सा हठधर्मिता ये दिखी कि जैसे ये कानून है, कानून को बदला नहीं जा सकता है। अरे सारी सरकारों ने पिछले 50 कानूनों को बदला है, कई बार वापस ले लिए गए। नेहा जी आपके पास फिर आऊंगा। नेहा जी इस प्रकार से कोई चर्चा नहीं हो सकती और अगर ये चर्चा रखी गई है ये भी कहीं ना कहीं इसीलिए रखी गई है। बिल्कुल नेहा जी आपके बीच में भी कोई नहीं बोला था, नेहा जी आपके बीच में कोई नहीं बोला था, वरना विरोध तो कोई ना कोई कर ही रहा। बोलिए रत्न एके मिश्रा जी बोलिए। बीजेपी का जो कम्युनिकेशन गैप रहा, मैं इनको बताना चाहूंगा कि जो है बीजेपी अपनी शक्तियों को पहचाने, ये संवाद करके सरकार बना लेते हैं, संवाद में ये बड़े माहिर हैं और यहाँ पे चूक हो गई। रही बात आम आदमी पार्टी का, तो उनका कहना ही क्या, उन्होंने बिल फाड़ा तो ये तो वही कहावत है, फटा पोस्टर निकला केजरीवाल, तो उनके ऊपर तो कोई कमेंट है ही नहीं। ये सब उनकी स्टंटबाजी है, उनका कानून बनाने में कोई रोल नहीं है, नेतागिरी वो भी कर रहे हैं। और कुछ किसान नेता भी जो है यहाँ पे उन चीजों को नहीं समझ रहे हैं, समय के साथ परिवर्तन हर एक चीज में होना चाहिए। मैं ये बोलता हूँ किसानों के मन का जो डर है, जितनी मैंने बात की है और समझा है, वो ये है, उनको ये लगता है कि बड़े बड़े बिजनेसमैन, कारपोरेट घराने आ करके उनके जमीनों पे कब्जा कर लेंगे, उनके फसलों पे कब्जा कर लेंगे। यही एक इस बिल का सबसे बड़ा जो है पॉइंट है, जो कि किसानों के बीच और भाजपा के बीच या सरकार के बीच गैप बना हुआ है और इस इकोनॉमिक पॉइंट पे कोई बात ही नहीं कर रहा है, न किसान भी उस तरीके से बात नहीं उठा पा रहे हैं और बीजेपी या गवर्नमेंट भी इन चीजों को टच नहीं कर रही है। मैं ये बोलता हूँ
मैंने बार बार ये बोला है कि एक जमाना था जब बैल की जगह किसान खुद हल में जुतता था, यानी उस वक्त पैदाइश इतनी नहीं होती थी, तो चैलेंज ये था कि अपनी पर हेक्टेयर या पर यूनिट एकड़ जो है जमीन के हिसाब से पैदाइश कैसे बढ़ाएं। तो विज्ञान को लाया गया, तो विज्ञान ने जो अन्न उत्पादन की क्षमता थी उसको बहुत बढ़ाया। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये चल रही है कि अन्न उत्पादन करने में हम इंडिपेंडेंट तो हो गए, लेकिन किसानों को उसका मूल्य नहीं मिल पा रहा है। भाई एमएसपी को फिक्स करने का मतलब क्या है, जो किसानों की डिमांड है, मतलब उनका इकोनॉमिक वो फियर फैक्टर है कि उनको इकोनॉमिक लॉस होगा, पता नहीं एमएसपी मिले उससे कम पे बिके क्या हो। यही पॉइंट बीजेपी को भी समझाना चाहिए था, प्राइस आपको देगी मार्केट। देखिए कॉरपोरेट का भी, विज्ञान का भी, साइंटिस्ट का भी अपना एक रोल रहा है और हमेशा हमेशा रहेगा भारतीय कृषि को, किसानों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए। जी। तो यहाँ ये जो एक फियर फैक्टर तीनों ग्रुप में है कि साइंटिस्ट और किसान और कॉरपोरेट जो है अब तीनों मिल रहे हैं यहाँ पे, तो ये एक फियर फैक्टर है, क्योंकि कोई भी चीज नई होती है तो एक अनजान भय सभी के मन में होता है। मैं समझता हूं कि पेच यहीं पे फंसा हुआ है, एक अनजान भय जो उज्जवल भविष्य के लिए ये बिल ले जाता है, जो ग्लोबल एग्रीकल्चर में हमारे जो है भागीदारी को बढ़ाएगा, अच्छी अच्छी उपज होगी और उसके मूल्य भी कॉम्पिटिटिव मिलेंगे अगर मार्केट ओपन होती है। इस चीज को बीजेपी समझा नहीं पा रही है, पहली चीज। चलिए चलिए ठीक है, ठीक है, एक लाइन और जी, बहुत बहुत कम शब्दों में, उसके बाद अरुण जी का रुख करना है। हाँ, बोलिए बोलिए। प्रधानमंत्री जी संवाद करने में हमेशा आगे रहते हैं, ये उनकी खूबी है, कहीं पे भी जरूरत होती है वो संवाद करते हैं। मैं बोलता हूँ 23 दिन क्यों देर हो गया, दो बिल्कुल दिन, हमारा दिन, हमारा दिन भी यही सवाल है मिश्रा जी, हमने भी यही सवाल नेहा जी से पूछा था कि 23 दिन हो गए उसके बाद अब आप संवाद करने उतरे हैं, ठीक है संवाद भी सुन लेते हैं। उमंग जी 23 दिन हमने देर नहीं की, आप ये बात समझे हर बार। चलिए चलिए प्रधानमंत्री शालिनी जी, बिल्कुल आपके पास आऊंगा, अरुण जी की भी बात सुन लेते हैं, काफी देर से वो हम सबको सुन रहे हैं।